नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। कई सारे ऐसे नए क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे वर्क करते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, यानी कि उनके चैनल पे ऐड रन करना शुरू हो चुका है, लेकिन अब उनको पता नहीं चलता है कि आखिर कैसे जो है हम अपना बैंक अकाउंट यूट्यूब से लिंक करेंगे, यानी कि गूगल एडसेंस से लिंक करेंगे, और कैसे जो है मेरे अकाउंट में पैसा कब ट्रांसफ़र होगा। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि देखिए, जैसे ही आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा होता है, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई जब आप करेंगे तो आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू के लिए जाता है, और अप्लाई के समय ही आप गूगल एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास पहले से नहीं होता है तो। और अगर आपके पास पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट होता है तो उसी को वहाँ पे लिंक करके अपने चैनल को अंडर रिव्यू के लिए डालते हैं। और अंडर रिव्यू से जैसे ही वापस आपका चैनल आता है, आपके चैनल पर जो है एक मेल आ जाता है, और मेल आ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब आपके वीडियो पे ऐड चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने हर वीडियो को मोनेटाइज करते हैं, यानी कि वीडियो जो मोनेटाइजेशन है वो हर वीडियो पे जाके आपको ऑन करना पड़ता है, और वहाँ से जो है उस वीडियो पे ऐड चलना शुरू हो जाता है। अब आपको बैंक अकाउंट कब लिंक करना है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप जाकर गूगल एडसेंस अकाउंट पर चेक कीजिए कि बैलेंस कितना दिखा रहा है। जब $10 आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे पूरा हो जाता है, यानी कि जब तक $10 वहाँ पे पूरा नहीं होगा, तब तक आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा होगा, आपको वहाँ पे एक्शन का एक टैब ओपन होकर आ जाता है, यानी कि एडसेंस अकाउंट पर ही आप देखेंगे ऊपर में जब $10 पूरा होगा तो एक्शन का एक बटन वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट या फिर आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डिमांड करता है जो आप डालते हैं। लेकिन वहां पे एक मेन चीज जो है वो आप समझ लीजिए, बैंक अकाउंट्स में हर चीज आपके पास पासबुक पे अवेलेबल होता है, लेकिन जो एक चीज मेन होता है वो आपको पहले से बैंक से लेकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो है आपके पास नहीं है, तो वो होता है यहाँ पे स्विफ्ट कोड। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, स्विफ्ट कोड कई लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर इसका काम क्या होता है। तो जब भी हम विदेश से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते हैं या मंगवाते हैं, या फिर हमको जब विदेश में ट्रांसफ़र करना होता है, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का हमें ज़रूरत होता है, और स्विफ्ट कोड आपको बैंक से ही मिलता है। तो ये कई सारे क्रिएटर्स को पता नहीं होता है, जिनके कारण जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जैसे ही एक्शन टैब पे जाके क्लिक करते हैं और जब अप्लाई के लिए वहाँ पे बैठते हैं, बारी बारी से अप्लाई करते हैं, और स्विफ्ट कोड का जैसे ही ऑप्शन आता है, चूंकि आपके पासबुक पर स्विफ्ट कोड रहता नहीं है, तो वो स्विफ्ट कोड पहले से आपको बैंक से जाकर लेना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड बैंक से आपको मिल जाता है, और उस स्विफ्ट कोड को आपको गूगल एडसेंस अकाउंट पर जब आप लिंक करेंगे, जब आपके पास पिन आता है, तो वहाँ पर वेरीफाई करने के समय आपको वहाँ पर डालना पड़ता है। तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो स्विफ्ट कोड पहले से आप अपने बैंक से लेकर रखिए, और बैंक अकाउंट लिंक तभी होता है जब आपके चैनल पे अगर गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा हो जाएगा, तो फिर आपको एक्शन टैब का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप अपने बैंक को लिंक करते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट पे। तो पहला जो $10 होता है वो आपके अकाउंट पे आ जाता है, आपके अकाउंट पे $10 जैसे ही पूरा होगा उसका ₹700 जो है आ जाता है, यानी कि डॉलर के हिसाब से। डॉलर का जो क्वाइन है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन अभी की डेट की अगर बात करें तो लगभग $1 का ₹70 होता है। तो $10 जैसे ही पूरा होगा उसका ₹700 जो है आपके बैंक अकाउंट में पहला बार आ जाता है जब आप लिंक करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो YouTube का फंडिंग का ट्रांसफर का जो रूल है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब जो रूल रेगुलेशन है गूगल एडसेंस का, जब तक आपके चैनल पे $100 पूरा नहीं होता है तब तक उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, और हर महीने के 11 से 12 तारीख तक जो है यूट्यूब आपके बैंक अकाउंट पर पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर देती है, और ट्रांसफ़र तब होगा जब आपके चैनल का अर्निंग जो है $100 से ज़्यादा हो जाता है। अगर सपोज डेट यहाँ पे ये मान लीजिए कि पहला मंथ में जो है $100 मेरा कंप्लीट नहीं करता है, $10 की बात हम कर रहे हैं, अगर $100 कंप्लीट नहीं करता है तो पहला मंथ में जो है आपके अकाउंट पे पेमेंट यूट्यूब के द्वारा नहीं डाला जाएगा, सेकेंड मंथ में जो है आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा जब $100 पूरा हो जाएगा, और उसके ऊपर जितना पूरा होता है वो टोटल जोड़ के जो है आपके अकाउंट पर 11 से 12 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर उस 11 और 12 के बीच संडे नहीं पड़ता है, तो सैटरडे और संडे पड़ेगा, तो फिर वो अगले मंडे और ट्यूजडे को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं कि 15 तारीख के पहले जो है आपके बैंक अकाउंट पे यूट्यूब के द्वारा जो भी आपका अर्निंग होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मेन यही था कि कई सारे नए क्रिएटर्स हैं जिनको ये पता नहीं चलता है कि आखिर उनके वीडियो पे ऐड रन कर रहा है, फिर भी वो सोचते हैं कि बैंक अकाउंट हमको कहाँ पे लिंकेज करना है कब डालना है। तो जब आपके एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा हो जाएगा तो आपको एक्शन टैब का वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपसे डिमांड किया जाता है बैंक डिटेल्स, वहाँ पे आप बैंक डिटेल्स डालिए, और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में जो भी आपका अर्निंग होगा यूट्यूब के द्वारा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा।